असल जम्मू कश्मीर का पिछले इलेक्शन के हवाले गुज़िश्ता जिन्हें भी इलेक्शन उसके हवाले अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मुख्तलिफ सियासी अलायंस बनते रहे ना, मुख्तलिफ सियासी ग्रुप इलेक्शन लड़ते रहे ना, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म तो इलेक्शन उम्मीदवार कंटेस्ट करते रहे ना। इस इलेक्शन के जो हालात ना उसके विच मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट हाँ, दूसरी साइड से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ना चौधरी सदीक भट्टी साहब। मुस्लिम लीग नून की बड़ी ख्वाहिश सी जदों मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे, उन्होंने दर्जात बुलंद करे, उस टाइम भी तो अनिल अजीब साहब की बड़ी ख्वाहिश सी कि असी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ीए, और मेरे वालिद साहब की वफात तो बाद भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म तो इलेक्शन लड़ा, लेकिन मैं उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिता कि दानियाल अजीज साहब थोड़ा मकसद और थोड़ा जरा इस हल्के दिलचस्पी है वह रियासत जम्मू कश्मीर का इलेक्शन ही है, थोड़ू रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन का कोई दिलचस्पी नहीं, तुम अपना जनरल इलेक्शन की ग्रुपिंग करना चाहते हो। अगर तुम रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन का मुखलस हो तो उस असूल के मुताबिक जड़िया तकरीर तुम 20-25 साल तो रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन सुनाते आए हो कि महाजरीन की जी रियासत जम्मू कश्मीर की सीट है यह गुजरे का हक बनता है, यह मियां मामा रशीद साहब NML का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, यह गुजरे को सीट देनी चाहिए है। तो अब मियां मामा रशीद साहब ने इस गल का फैसला कर लिया कि जिस गुजर के नाल रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन ज्यादा अक्सरीयत ना, जिन्हों रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन ज्यादा चाहते ना, मियां रशीद साहब ने उसके हक चा इलेक्शन छोड़ दिता है, तो उन्होंने मेरी हमायत का ऐलान कर दिता है। अगर तुम इस इलाके या रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन मुखलिस हो तो आओ फिर साढ़े प्लेटफॉर्म से साढ़े नाल खड़े हो और रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन सारे इकट्ठे कर लो, जिहड़ा कि 20 साल का तुम नारा लाते पे हो, लेकिन चूंकि उन्होंने एक अपने सियासी मकसद होंगे ना, एक सियासी प्रोपेगेंडा है, एक सियासी अफराध साल से उन्होंने एक झूठ की मशीनरी लगाई दी है और 70 साल ऐसे झूठ की बुनियाद उन्होंने सियासत की है, उन्होंने ऐसे आवाम के नाल ऐसे हल्के कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आवाम नाल मुखलिस ना, उन्होंने एक ही गल बड़ी इस समय करते थे ना कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार में वोट पवो। असं भी 2011 2014 मनसा प्रभात साहब इलेक्शन जीते से, तुम आजाद इलेक्शन जितया कि उन्होंने मैंबर असैम्बली बनाया से, तो चौधरी मनसा सरघाला साहब असं मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन से बेंच जा के मैंबर असैम्बली जितने के बावजूद ऑपोजिशन से जा के बैठे सर। यह साढ़े नौजवान साथी आज जानते हो गए जो सोशल मीडिया और फेसबुक देखते हैं, उस वक्त चौधरी मनसा सरघाला साहब का इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून और उस वक्त का जो ऑपोजिशन लीडर से और इस वक्त का मौजूदा राजा फरूक हैदर जो मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम है, उसके साथ इख्तलाफ किस गल का होया? इख्तलाफ इस गल का होया कि चौधरी मनसा सरघाला साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन की कोटे की गल की, रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन की मुलाजमतों की गल की, रियासत जम्मू कश्मीर के जो महाजरीन के तलब इलम सन उन्होंने दाखला जात की गल की, ऑपोजिशन के होने के बावजूद राजा फरूक हैदर जोड़ा इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम तो बाशमूल जो 11 मैंबर असैम्बली सन, एक मैंबर असैम्बली भी चौधरी मोहम्मद सिंह सरघाला साहब ने उस टाइम खड़ा नहीं हो, चौधरी मोहम्मद सिंह सरघाला साहब ने उस टाइम असैम्बली फ्लोर पर ऐलान किया कि अगर तुम रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन के हक उपराध की जंग के बच्च मेरे नाल नहीं तो अज ही मैं ऑपोजिशन के बैंचों को अलहना निशिस्त करना, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर रियासत जम्मू कश्मीर और अपने हल्के के महाजरीन के तमीर तरक्की का काम करवाऊंगा, मैंने इस मुस्लिम लीग नून के ऑपोजिशन बैंचों के बहन का तुम कोई सलाह नहीं दिता।
और करप्शन से भरे गए मुस्लिम यूनियन का लीडरशिप और उन्होंने मौका नहीं मिला क्योंकि आज तो हमें वोट का हक भी मां आदमी रियासत जम्मू कश्मीर को मुस्लिम यूनियन ने छीन लेता थी और राजा फरूक अगर मकसूद से जंग वास्ते साडे मां आदमी को मन मर्जी ना मुंतखब करके तो मन मर्जी के बंदे ते इलेक्ट करके जिस तरह सीनियर के मुंतखब होता ना उसे इलेक्ट करके तो और असेंबली में बढ़ावा चाहता इन्हें शर्म आनी चाहिए है ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਡੀ ਰਾਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਦੀਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਫਰੂਕ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੀਨ ਰਾਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਫਰੂਕ ਹੈ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਦੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੀਦਾਬ ਨੇ ਚੌਰੀ ਮਨਸਾ ਸਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਸਰਵਾਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਾਬਰ ਆਦਮੀ ਹਨ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਤੇ ਚੌੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਤੇ ਖਰਗੋਲ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ੀਰ ਕਰਪਟ ਹੈ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੰਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੌਰੀ ਮਹੰਤਾ ਸਰਗਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਹਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤਾ ਸਰਗਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਚ ਖੁਦ ਮੁਰਤਾ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਮਾਦ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੌਰੀ ਮਹੰਸਾ ਸਰਗਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ